एक भी आरोप अगर सच हो गया तो संन्यास लेके मैं चला जाऊंगा, लेकिन कुछ तो भी कहना। लेकिन आज उससे बड़ी दुख की बात यह है कि मुझे कांग्रेस ने पूरा बोलने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाए, हमने स्थगन स्वीकार किया, तो पहले तो स्थगन भी भाग रहे थे। वो शायद ये सोच रहे थे कि हम चर्चा से पीछे हटेंगे और इसलिए वो कहेंगे कि चर्चा से भाग रही है सरकार। भागने का कोई सवाल नहीं था, हम एक एक तथ्य पे बात करना चाहते थे और अब तक जो हुआ है उसका दूध का दूध और पानी का पानी सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाए, हमने सुने। देखिए, जब मैंने जवाब देना शुरू किया और जवाब देने में जब ये विषय आया कि व्यापम बना क्यों, मैं ये कहना चाहता था, पहले गड़बड़ियां होती थी, खुलेआम गड़बड़ियां होती थी, मनचाही भर्तियां की जाती थी, उसके बाद कोई सिस्टम बनाने की बात आई, मैं ये कहना चाहता था, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। तो देखा आपने कि किस तरह से सदन में एक तरफ विपक्ष लगातार व्यापम में मुख्यमंत्री को घेर रही है, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जबरन उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर के पास, जिनके साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। जी शैलेंद्र। बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा जिस तरह आज 14वीं विधानसभा के बजट का तीसरा दिन था, लेकिन चूंकि व्यापम मामले के ऊपर विपक्ष द्वारा लगातार इसके ऊपर चर्चा की मांग की जा रही थी, तो आज इस चर्चा हुई व्यापम मामले पर, व्यापम घोटाले के ऊपर विपक्ष ने जिस तरह आरोप लगाए थे प्रदेश सरकार के ऊपर, इसके ऊपर विस्तृत में चर्चा हुई, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई, इसके चलते दूसरे दिन चर्चा इस पर जारी रहेगी। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी साथ में, आपसे हम जानेंगे क्या कुछ जो जिस तरह मतलब आपने मांग उठाई थी व्यापम मामले को लेकर, क्या कुछ आप चाहते थे कर रहे हैं? देखिए, आज मैं स्वयं भी विधानसभा में अध्यक्षीय दीर्घा में था और मैंने पूरी सदन की कार्यवाही को देखा। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष माननीय सत्यदेव कटारे जी ने प्रमाणों के साथ आरोप लगाए हैं, उससे प्रतिपादित होता है कि इस प्रदेश के 1,70,00,000 युवाओं के साथ व्यापम के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखाधड़ी की है। जो योग्य थे उनको दरकिनार किया गया है और जो अक्षम थे उनको पैसा लेकर उनसे जो सिफारिशों से उनको नौकरियां मिली हैं। आप देखें, इतना बड़ी धोखाधड़ी इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज सरकार ने किए, उनका पीए सिफारिशी पत्र लिख रहा है, उनका मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जो है वो पूरी तरह से गले गले तक फंसा हुआ है, शिवराज जी के घर से पर्चियां आ रही हैं, उनको नौकरी प्राप्त हो रही है, हैं, उनकी भांजी जो है वो डिप्टी कलेक्टर बन रही है, 7वें नंबर पर उसको पीएससी में रैंकिंग मिल रही है, आखिर हो क्या रहा है? और अगर इसी तरह की सारी चीज़ों को कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर बेनकाब किया है, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार को जिस तरह से उन्होंने आज पूरी तरह से बेनकाब किया है, उससे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आज घबरा गई है। आज शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य तक नहीं दे पाए, क्योंकि उनका वक्तव्य भी पूरा का पूरा झूठ पर आधारित था। हाई कोर्ट में जो एसटीएफ ने बात कही उसको कह रहे हैं कि यह न्यायालय ने बात की, हंगामा खड़ा हो गया, सारी की सारी कांग्रेस आज वेल के अंदर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार अगर ये बात कह रही है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस पे ऊपर जो आरोप लगे हैं उन सारे आरोपों की भी सीबीआई जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी करे, व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। और ये बात आज पूरी तरह से कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ सदन के अंदर उठाया है। लेकिन सक्सेना जी, जिस तरह विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए थे, पक्ष का ये कहना है सीएसी तौर पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं साक्ष्यों के आधार पे नहीं लगाए जा रहे हैं और निराधार और केवल असत्य आरोप लगाए जा रहे हैं। सारे साक्ष्य आज माननीय कटारे जी ने पटल पर रखे हैं और एक एक कागज दिखा दिखा कर बात की है। जो सारे बयान हैं उन बयानों में आरएसएस के इनके बड़े बड़े जो सरसंघ चालक हैं, जो इनके बड़े सुरेश सोनी हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है। आरएसएस के ऊपर जिस तरह से वो चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे, आज उनका सारा चाल चरित्र और चेहरा भी लोगों के सामने उजागर हो गया है। इस प्रदेश के युवाओं के साथ जिस तरह से व्यापम के मामले में इन लोगों ने धोखाधड़ी की है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता, ये अक्षम्य आरोप है और शिवराज सिंह को तुरंत इस्तीफा देकर और इसकी जांच सीबीआई से कराना चाहिए।
धन्यवाद। तो और भी जानकारी के लिए पक्ष से हमारे साथ शैलेंद्र प्रधान जी हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपसे हम जानेंगे क्या कुछ आप कहेंगे इस प्रतिक्रिया के ऊपर चर्चा हुई है। देखिए, रवि सक्सेना जी टीवी पे अच्छे बयान दे रहे हैं और उनका कर्तव्य है वो बयान दें, इससे कवरेज मिलता है। ये पर सत्य से परे है। जिसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में हो रहा है या संज्ञान में हो रहा है, आप अगर उस पर आरोप लगा रहे हैं तो क्या आप माननीय उच्च न्यायालय पे अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी आने के लिए जांच पूरी होने दें, जांच के निष्कर्ष आने दें। उच्च न्यायालय उसमें इंटरफियर कर रहा है, अब फिर भी आप उसके तर्क विधानसभा में भी उठाना चाहते हैं, उठाइए, आपका अधिकार है, आप उठा सकते हैं। पर अगर विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर आप क्योंकि विपक्ष में हैं, आप अपने निष्कर्ष देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप बोलने की स्वतंत्र हैं, तो आप बोलिए, पर इससे कुछ नहीं होगा। दूध का दूध पानी का पानी, हम लोग भी चाहते हैं कि व्यापम घोटाले की जाँच हो। काले चेहरे, अब मंत्री हमारा जेल में है, अधिकारी जेल में है, दो तीन अधिकारी और एक व्यवसायी फरार है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। इनका खुद का तो उम्मीदवार जो भोपाल दक्षिण से लड़ा है वो बंद है, इनके महामहिम के जो OSD हैं वो बंद हैं। आखिर क्या आप और क्या चाहते हैं कि बिना जांच के उनको लटका दिया जाए क्या? देखिए शैलेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार स्वतंत्र हैं, आपने चाल चरित्र चेहरे का डायलॉग भी मार दिया। अरे आप लोग तो वैसे ही खुले हो, अब मैं बोलूंगा तो बुरा लगता है कि क्या क्या घोटाले किए जिससे जनता ने उठा के स्क्रैप कर दिया। 44 सीट मिली है पार्लियामेंट में, 540 में आपको दो मिली थी। मुख्यमंत्री जी माना कि हाई कोर्ट पूरी STF भी जांच कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर CBI जांच आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही, बड़ा सवाल है शैलेंद्र जी। बिल्कुल प्रधान जी, जिस तरह CBI जांच से मुख्यमंत्री कतरा रहे, आखिर क्या वजह है, मोनिका जी ये जानना चाह रही है। भाई ऐसा है, एक जांच चल के चलते दूसरी जांच का कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो? जब जांच व्यापम की STF कर रहा है तो आप STF की जांच के खिलाफ, आप कांग्रेस के हमारे मित्र हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने जब खुद कहा कि मैं संज्ञान ले रहा हूं, तो अब आपने जिस तर्क से आप हाई कोर्ट गए वो आपका स्क्रैप हो गया, अब आप बाहर चिल्लाते रहो तो उससे क्या होना, कुछ कोई मतलब नहीं। लेकिन शैलेंद्र, रवि जी से शैलेंद्र रवि जी से भी जानना चाहूंगी। रवि जी, आपने खुद कहा कि अभी STF, जिस तरह शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि STF की कार्रवाई हो, लेकिन क्योंकि STF के ऊपर पूरी तरह से शिवराज सिंह सरकार का और शिवराज जी का स्वयं का बहुत प्रभाव है, उसको प्रभावित कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ का जो DGP है वो उमा भारती के घर में जा रहा है और कह रहा है कि आपको हम क्लीन चिट देते हैं, आपका कोई वो नहीं है। और जब हमने उनके सामने रखे कि 10 कॉल डिटेल्स ऐसे हैं, छतरपुर में एक परिवार में वो रहती हैं, 10 साल से उस परिवार में जा रही हैं, उसके 10 के 10 लोगों को व्यापम के माध्यम से जो है रोजगार प्राप्त हुआ है। तो आज ये सब चीज़ें हैं और इस व्यापम घोटाले का दायरा अब इस प्रदेश से निकलकर बाहर चला गया है। दिल्ली में आपने देखा होगा पेपर पकड़ाए हैं, बहुत सारे जो बिहार के लोग हैं, UP के लोग हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, दलाली का काम करते थे। STF तो केवल प्रदेश के अंदर ही काम कर सकती है, अगर हमको पूरे देश के अंदर छापेमारी करनी है, लोगों को पकड़ना है, तो उसके लिए CBI सक्षम है और कोई दूसरी संस्था इस काम को कर ही नहीं सकती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी CBI जांच की मांग कर रही है और CBI जांच की मांग से शिवराज सरकार घबरा रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि जैसे ही CBI की जांच होगी, इनके जो सारे मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे और जेल के अंदर जाने का उनका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन सक्सेना जी, यहाँ एक और मुद्दा हुआ सदन में, जब बात आई हाईकोर्ट की विश्वास के ऊपर बात आई, तो आपने, सभी लोगों ने सहमति जताई कि हाईकोर्ट के जो भी ये विश्वास उनके ऊपर, वहीं हाईकोर्ट ने भी जो जिस तरह मतलब STF की बात की है और STF की निष्पक्षता की बात की है, तो उसके विषय में फिर सवाल ही निशान कहाँ खड़ा? देखिए, आज जो मुख्यमंत्री
बयान पढ़ रहे थे, मैं स्वयं सदन में था, वो जो इन्होंने एक उत्तर दिया है हाई कोर्ट को कि साहब हमने ये किया है, हमने इन लोगों को पकड़ा है, हम लोगों ये काम किए हैं, ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उनको शाबाशी दी है कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, इससे बड़ा और कोई झूठ हो नहीं सकता। उसी पे हंगामा हुआ और सुंदरलाल तिवारी ने वो सारे कागज सदन के सामने रखे, पटल के सामने रखे और शिवराज जी को चुनौती दी कि इसको आप झूठा साबित कीजिए। आप सदन के अंदर किस तरह से झूठ बोल रहे हो कि आपको हाईकोर्ट जो है शाबाशी दे रही है एसटीएफ को, जबकि ऐसा कहीं कोई भी हुआ नहीं है। आप केवल हाईकोर्ट को भी अगर धोखाधड़ी देना चाहते हो, इस प्रदेश की जनता को भी धोखा में रखना चाहते हो, तो आखिर आप करना क्या चाहते हो? युवाओं का जिस तरह से आपने मैं समझता हूँ मान मर्दन किया है, उनको बेरोजगार करके खड़ा कर दिया है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा घिनौना अपराध कोई सरकार ने आज तक किया नहीं होगा। ये देश का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है, शिक्षा घोटाला है, महाघोटाला है। उमा भारती ने तो स्वयं कहा था कि ये चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है और ये घोटाला लगातार निकल कर आ रहा है और पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश व्यापम के मामले में शर्मसार हुआ है, उसका सर झुका है। लेकिन सक्सेना जी, यहाँ पर एक और बात सामने आई, जिस तरह से जांच की बात हुई और सुंदरलाल तिवारी के ऊपर, जिस तरह तिवारी जी के ऊपर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाए, उनके परिवार से कांग्रेस की सरकार के ऊपर मतलब आरोप लगाए, कांग्रेस की सरकार के वक्त तिवारी जी के पूरे अधिकांश परिवार के लोग टीचर हैं, तो मतलब ऐसे में ये हंगामा बढ़ने की कहाँ बात है? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये तो वही बात हुई कि हम बात करें खेत की और वो बात करने लगे खलिहान की। बात हो रही है व्यापम घोटाले की, अगर व्यापम घोटाले पर आपको जवाब देने के लिए कहा जा रहा है तो आप उन दस्तावेजों को जो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उनका जवाब दीजिए। आप बात कर रहे हो उनके परिवार की, तो भैया तुम्हारा सरकार है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो तिवारी परिवार को पूरा जेल में डाल दो, आपको किसने मना किया है? आपके हाथ में सरकार है, आप सक्षम हो, आप कर सकते हो। अगर तिवारी जी के परिवार ने कुछ गलत किया है, किसी और के परिवार ने गलत किया है, तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, सबूत जुटाओ और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है आप करो, आपको वो करना नहीं है। आपको केवल मुद्दों से भटकाना है, व्यापन से लोगों का ध्यान हटा के केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उनको आप बोथरा साबित करना चाहते हो, जो कि हो नहीं सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी, के जो आरोप लगाए प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे प्रतिक्रिया? देखिए इनके आरोप का कोई मतलब है? जब हाई कोर्ट ने जब इनका उस ये कह रहे थे कि हाँ सीबीआई जांच करो, हाई कोर्ट ने बोला जांच में क्या दोष है ये बतलाइए। अब ये आर्गुमेंट हाई कोर्ट के सामने नहीं दे पाए तो अब ये डिबेट कर रहे हैं और डिबेट करके ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि जांच सही दिशा में चल रही है और हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार इन सब आरोपों से मुक्त होकर सामने आएगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा और भारतीय जनता पार्टी के लगे सब आरोप इनके गलत साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी और शैलेन प्रधान जी बीजेपी प्रवक्ता, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूध बचा है, पूरा पानी का पानी। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। तो देखा आपने कि किस तरह से आज सदन में हंगामा हुआ है व्यापम घोटाले को लेकर। एक बार फिर विपक्ष ने शिवराज सरकार पर और खासतौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर उनके आरोप झूठे हैं तो सीबीआई जांच करवा लीजिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा स्टेट विशेष।